हाय गाइस, अपन ने फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिया है। अब अपन सेकेंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चालू करेंगे। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अपने को पता चलता है कि अपन बिजनेस किस टाइप से कर सकते हैं। जैसे अपने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि बिजनेस क्या होता है ना, तो अब अपन पढ़ रहे हैं कि बिजनेस अपन किस किस टाइप से कर सकते हैं। तो फर्स्ट अपन ब्रॉड अगर देखे कैटेगरी, अगर बिजनेस को डिवाइड करना है तो ब्रॉड बिजनेस तीन टाइप के इसमें डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है आपका प्राइवेट सेक्टर, सेकंड होता है पब्लिक सेक्टर, थर्ड होता है जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट में क्या आता है, प्राइवेट मतलब कि जो जिस बिजनेस में कोई इंडिविजुअल अगर पैसा लगा रहा है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो क्या हो गया प्राइवेट सेक्टर। जैसे कोई भी किराना शॉप है, बड़ी रिलायंस है, ये सब क्या हो गया क्योंकि उसमें प्राइवेट इंडिविजुअल के रूप में लगे हुए हैं बिजनेस रन करने के लिए, तो वो क्या हो गया प्राइवेट सेक्टर। सेकंड आता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या है, जिसमें गवर्नमेंट के रूप में लगे हुए हैं काई के लिए टू अर्न प्रॉफिट, है ना। जैसे LIC है, सेल है, भेल है, ऐसे गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करी है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर आते हैं। और एक और क्या होता है, ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर मतलब जो प्राइवेट और पब्लिक है, इन दोनों को मिला के जिसमें पब्लिक का भी पैसा लगा हुआ है और प्राइवेट का भी पैसा लगा हुआ है, वो क्या हो जाता है ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर मतलब जैसे जो ब्रिज के कंस्ट्रक्शन से, मेट्रो कंस्ट्रक्शन से, मुंबई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, ये जॉइंट सेक्टर का एग्जांपल है, क्योंकि वो सिर्फ गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट नहीं करती, उसमें थोड़ा पोर्शन प्राइवेट को भी दे देती है कि थोड़ा आप करो थोड़ा हम करेंगे। तो ये हो गया जॉइंट सेक्टर। तो इस चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना है, प्राइवेट सेक्टर के बारे में, कि प्राइवेट सेक्टर जो इंडिविजुअल से अपन लोग वो किस किस टाइप से बिजनेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट बिल्कुल सिंपल जो बोले अपन, वो क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल मतलब बेसिक, सोल मतलब कि एक सिंगल इंडिविजुअल, है ना। तो सोल मतलब वन एंड प्रोप्राइटर मतलब ओनर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का फुल मीनिंग क्या हो गया, वन ओनर। और ये क्या, ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस, मतलब जिस बिजनेस का एक ही ओनर है, जिसके अंदर एक ही ओनर है, वो क्या हो जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, है ना। फिर ये मतलब नॉर्मली आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा। आप जब घर के बाहर निकलोगे, अपने पान शॉप है उसमें एक ही जना है, वो इसको ओन कर रहा है, वो वहां पे बैठ के काम भी वही कर रहा है, फंड भी उसने लगाए हैं, रिस्क भी अकेला बियर कर रहा है, जो प्रॉफिट होगा वो भी उसका खुद का होगा। तो इसके डेफिनेशन क्या बन जाती है, इट इज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है विच इज ओन्ड, मतलब ओन कर रखा है एक ही व्यक्ति ने। मैनेज मतलब वो अकेला ही उस बिजनेस को मैनेज कर रहा है, मतलब जो पान वाला है वो मैनेज कर रहा है, मतलब जो काम रहता है कुछ चीज लानी वो अकेला करता है। लास्ट क्या, कंट्रोल, जो भी कंट्रोल रहता है ना वो भी वो अकेला करता है। तो क्या, इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल, मतलब एक ही जना ये तीनों काम करता है। हु इज सोल रिस्क बियरर, जो भी रिस्क रहती है बिजनेस की कि कभी लॉस होगा या फिर कुछ अपने वो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कुछ भी रिस्क रहेगी वो क्या, वो अकेला ही बियर करता है। और जो प्रॉफिट भी होगा बिजनेस का वो भी वो अकेला ही रखेगा, है ना। तो एक बार और पढ़ लेते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल हु इज सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। इसमें मेन मेन जो वर्ड्स है, जो रेड से अंडरलाइंड है, ये मेन वर्ड्स है। अगर आप मेन वर्ड्स भी याद रख पाओगे तो डेफिनेशन ऑटोमेटिक आप अपने आप से क्रिएट कर सकते हो। सेकेंड पे आते हैं अपन फीचर्स। इसके फीचर्स क्या होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, फीचर्स मतलब कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या रहता है उसके अंदर, बेसिक अपन पहले फीचर करते हैं। फर्स्ट क्या है, वन मैन कंट्रोल। वन मैन कंट्रोल मतलब कि एक ही जना उसको पूरा कंट्रोल कर रहा है, वो अकेला वन मैन आदमी है कि सारे काम वो ही करता है। सेल है मतलब सेल करना है, कुछ भी पान सेल करना है वो करेगा, पान परचेज करना है, कत्था परचेज करना है, पान बनाना है, लाइट के बिल भरना है, रेंट भरना है, वो सब काम वो अकेला ही करेगा, मतलब वन मैन आदमी बनना पड़ता है उस सोल प्रोप्राइटर को, सारे काम उसको ही करने पड़ते हैं। सेकेंड क्या है, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप चालू करनी है तो बहुत ईजी है, जब आपकी इच्छा हो चालू करो आपकी शॉप, जब आपकी इच्छा हो तब बंद कर दो। आपको कोई गवर्नमेंट से कुछ लाइसेंस नहीं लेना है, ना किसी से परमिशन लेनी है कि भैया मेरे को सोल प्रोप्राइटरशिप चालू करनी है तो मेरे को कोई परमिशन, कुछ नहीं चाहिए। बस आपकी इच्छा हो तो आप चालू करो, जब आपकी इच्छा हो तो बंद कर दो। पर कुछ कुछ बिजनेस, जैसे अपन अल्कोहल ले लो, तंबाकू है, और कुछ कुछ बिजनेस जैसे गन, कि आज मैं गन लेके गन बनाने लग गया, क्या चलो आज से मेरी इच्छा है गन बनाता हूँ और बेच दूंगा, दो तीन दिन में बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है।
कुछ वो जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड रहते हैं उसके लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, पर नॉर्मल बिजनेस जैसे किराना पान कॉल सेंटर्स कुछ भी आप अगर जो भी खोलना चाहो वो आप खोल सकते हो, उसके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है और जब चाहो बंद भी कर सकते हो। थर्ड क्या है, सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। ये अपन ने डेफिनेशन में पढ़ लिया था। सोल रिस्क बियर मतलब जो भी बिजनेस को रिस्क होगी, जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में टाइप्स ऑफ रिस्क को पढ़ी थी, तो वो सारी रिस्क उसको इस अकेले को बियर करनी पड़ती है। और प्रॉफिट भी वो उसका फिर अकेले का ही होता है, उसको किसी के साथ शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कि जो भी अगर बिजनेस की एसेट्स बिजनेस की लाइबिलिटी से कम होती है ना, मतलब बिजनेस पे ऑफ नहीं कर पा रहा सारी लाइबिलिटी, तो जो ओनर है उसके घर के सोना चांदी बर्तन टीवी फ्रिज ये सब उसको बेच के रुपए ला के बिजनेस के ड्यूज है वो पे ऑफ करने पड़ेंगे। मतलब जो बिजनेस के ड्यूज है ना उसके लिए भी ओनर लाइबल रहेगा। फिर नो सेपरेट लीगल एंटिटी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब जैसे अपन ने अकाउंट्स में पढ़ा था, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब बिजनेस एंड बिजनेस मैन आर टू डिफरेंट एंटिटी, दोनों को अलग अलग माना जाता है। पर सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में अगर अपन बिजनेस एज ए लीगल पॉइंट देखे नो से, तो वो क्या होता है, ओनर और उसको बिजनेस को एक ही माना जाता है। अगर मेरे को एक एक्स है उसका सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है एक्स एंड कंपनी, उसने एक नई फर्म खोली, तो मेरे को एक्स एंड कंपनी से 1 लाख रुपए लेने हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे को एक्स से लेने हैं। और अगर मैं वो एक्स नहीं दे रहा तो मैं एक्स के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को एक्स एंड कंपनी के लिए करना पड़ेगा, मतलब मेरे लिए एक्स और एक्स एंड कंपनी मतलब ओनर और सोल प्रोप्राइटरशिप एक ही माना जाएगा है ना, तो उसका अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। फिर लैक ऑफ कंटिन्यूटी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है उसकी लाइफ क्या होगी, उसकी लाइफ विल बी इक्वल टू द लाइफ ऑफ द ओनर। अगर जब कोई ओनर की डेथ हुई तब ही वो बिजनेस बंद हो जाएगा, उसको अब संभालने वाला कोई नहीं आगे, तो उसकी लाइफ भी लिमिटेड है कि जब तक ओनर जिंदा है तब तक वो बिजनेस चलेगा, उसके बाद वो बिजनेस भी बंद हो जाएगा। फिर सेवेंथ है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि ओनर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, वो जो चाहे वो कर सकता है। वो चाहता है कि मेरे को इस शॉप से परचेज करना वो इससे खरीद लेगा, वो चाहता है वो वहां से खरीदना वहां खरीद लेगा, वो चाहता है कि यार मेरे को इसको एम्प्लॉय रखना है, मतलब उसको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि यार मैं इससे खरीदूं के नहीं, मेरे को इसको एम्प्लॉय रखना है तो रखूं के नहीं, मेरे को यहाँ पे नई शॉप खोलनी है खोलूं के नहीं, है ना, तो वो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है। फिर लास्ट क्या है, स्मॉल साइज, क्योंकि एक जना ही कंट्रोल मैनेज और वो कर रहा है ओन कर रहा है, तो इसके स्मॉल साइज बिजनेस पे ही आप कंट्रोल कर पाते हो। मतलब बड़ी इंडस्ट्रीज रिलायंस है टाटा बिरला ये बड़ी बड़ी आप अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बहुत सारे लोग चाहिए। इसमें क्या, सिंगल व्यक्ति है तो ज्यादा बिग साइज फर्म मतलब बिग साइज इंडस्ट्री स्टेब्लिश नहीं कर सकता, वो छोटी सी फर्म या फिर छोटी शॉप ही उसको रन करनी पड़ेगी। ये होगा इसके 8 फीचर्स। अब अपन आते हैं एडवांटेजेस या मेरिट्स पे कि इसका फायदा क्या है अपने को अगर अपन सोल प्रोप्राइटरशिप चालू करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। अपन ने यहाँ भी पढ़ा था फॉर्मेशन क्लोजर कि जब ओनर चाहे तब चालू कर सकता है, जब ओनर चाहे तब बंद कर सकता है, रेस्ट्रिक्टेड टू सम लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स एज पर गवर्नमेंट। अगर जहाँ भी गवर्नमेंट बोलती है कि आपको लाइसेंस लेना कंपलसरी तो लेना पड़ेगा, वरना आप जब चाहो चालू करो जब चाहो बंद करो, आपको कोई लाइबिलिटी नहीं है। फिर सेकेंड क्या था, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी अपन ने आइए सेम ये एडवांटेज में आ गया। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ओनर जो चाहे वो अपनी इच्छा से कर सकता है, उसको किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, वो जो चाहे वो कर सकता है, जहाँ से परचेज करना है जहाँ सेल करना है कुछ खरीदना बेचना कुछ भी करना हो अपनी इच्छा से कर सकता है, उसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर डायरेक्ट इनिशिएटिव, डायरेक्ट इनिशिएटिव मतलब कि वो जितनी मेहनत करेगा उसको इतना ही प्रॉफिट मिलेगा। अगर मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे को प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा, अगर मैं मेहनत कम कर रहा हूँ तो मेरे को प्रॉफिट भी कम मिलेगा, तो इससे क्या उसको मोटिवेशन आता है कि यार मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो मेरे को प्रॉफिट ज्यादा होगा, और वो पूरा प्रॉफिट मैं अकेला ही रखूंगा, रिस्क प्रॉफिट रेसिपिएंट मैं अकेला ही हूँ, तो जो ज्यादा प्रॉफिट होगा वो भी मेरा ही होगा, अगर मैंने मेहनत कम करी तो मैं कम वो कर पाऊंगा, तो इनिशिएटिव रहता है उसके लिए कि मैं ज्यादा ज्यादा मेहनत करूँ। फिर सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट कि उसको किसी के साथ प्रॉफिट शेयर नहीं करना पड़ता, वो अकेला ही पूरा जो भी प्रॉफिट होगा वो अपने घर ले जाएगा, उसको किसी को देने की जरूरत नहीं हो प्रॉफिट। फिर पर्सनल टच, अब इसमें क्या होता है, सिंगल ओनर ही है तो उसको मतलब जो कस्टमर है उनको वो पर्सनल टच दे सकता है, सेल्फ सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, वो ये पता कर सकता है कस्टमर की नीड क्या है, डायरेक्ट एनालिसिस जो भी वर्क करता है वो कस्टमर टू फेस उनसे पूछ भी सकता है, फीडबैक ले सकता है, तो वो कस्टमर का सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस ज्यादा रहता है, क्या ठीक है ओनर ही हमारे साथ डील कर रहा है तो वो बेटर रहता है। कॉन्फिडेंशियलिटी या सीक्रेसी,
मतलब जो भी उसके ट्रेड सीक्रेट्स है, मान लो जिस चीज से, मान लो उसकी एक ढाबा शॉप है तो उसकी मलाई कोफ्ता उसकी बहुत फेमस है, तो वो उसको ही पता है क्या कैसे बनती है मलाई कोफ्ता, वो किसी को लीक नहीं होगी वो कहीं भी, वो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी उसके पास ही रहेगी, वो कहीं मतलब उसको किसी का शेयर करने की ऑब्लिगेशन नहीं है और वो खुद ही उसको पता है, तो उसकी वजह से वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। ये हो गए इसके 6 एडवांटेजेस। अब अपन आते हैं डिसएडवांटेजेस की। जैसे हर चीज के प्रॉन्स एंड क्रॉन्स दोनों होते हैं, मतलब जिसका एडवांटेज है उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होंगे, तो ऐसे इसके भी डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहला क्या है, अब इसको याद करने बहुत इजी है कि 4 लिमिटेड है और 1 अनलिमिटेड है। क्या है, 4 लिमिटेड है और 1 अनलिमिटेड है। तो 4 लिमिटेड क्या है, पहला लिमिटेड है रिसोर्सेज, कि लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज है, मतलब एक जना अकेला ही ओन कर रहा है तो उसका ज्यादा रुपए की कमी रहती है, कि एक जना ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर पाता है, उसके रिसोर्सेज उसका कम ही रहते हैं। सेकेंड, लिमिटेड मैनेजरल स्किल, अब एक जने की जो अपन डिसीजन मेकिंग पावर बोल सकते हैं वो थोड़ी मतलब कम ही रहती है, वो हमेशा जो डिसीजन लेगा वो हमेशा सही नहीं होगा। अगर मान लो 4 जने आपस में कुछ चर्चा करके डिसीजन लेंगे तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा रहती है, और जो अकेला रहता है उसकी एक्यूरेसी कम रहती है, तो वो ये कि वो अकेला मैनेज नहीं कर पाता और जो डिसीजन जरूरी नहीं हो सही हो हमेशा उसके, ये क्या हो गया, लिमिटेड मैनेजरल स्किल। फिर क्या, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, मतलब कि उसको अगर एक्सपैंड करना है, तो मान लो एक 5 शॉप है तो उसको एक और खोलनी है, तो उसको अब वो कैसे खोलेगा, क्योंकि अकेला बंदा है वो हर चीज वही कर रहा है, तो एक तो रिसोर्सेज की दिक्कत पड़ जाएगी और एक उसकी ह्यूमन पावर की दिक्कत पड़ जाएगी, यार 2 शॉप कौन संभालेगा, फिर इधर भी संभालो उधर भी संभालो, और मेहनत तो एक्सपेंशन वो बहुत नहीं कर पाता, बहुत डिफिकल्ट रहता है उस केस में। फिर लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, वो अपन ने इसमें पढ़ा था फीचर्स में, लैक ऑफ कंटिन्यूटी में, कि क्या है कि लाइफ ऑफ द बिजनेस विल बी लिमिटेड टू द लाइफ ऑफ द ओनर, ओनर की डेथ हुई तो बिजनेस भी बंद हो गया, तो ये इसकी लिमिटेशन हो गया। और ये क्या होगा, 4 लिमिटेड। अब एक अनलिमिटेड क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि ओनर की लाइबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड, मतलब उसके घर के सोना चांदी बर्तन टीवी वॉशिंग मशीन ये सब बिक जाएंगे अगर बिजनेस अपने ड्यूज पे ऑफ नहीं कर पाया। ठीक है, ये आज का टॉपिक था सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें अपन ने पढ़ा क्या पढ़ा, कि फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं, डेफिनेशन थी सोल प्रोप्राइटरशिप की, इसमें मेन मेन क्या था, ओन मैनेज कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल, मतलब एक ही जना है तीनों काम करता है, और वो रिस्क भी अकेला बियर करता है और प्रॉफिट भी अकेला रखता है। फिर इसके 8 अपने फीचर्स पढ़ते हैं, बहुत सिंपल थे। फिर एडवांटेजेस, 6 एडवांटेजेस थे कि इजी फॉर्म है, फ्लेक्सिबल है, डायरेक्ट इनिशिएटिव, सोल बेनिफिशियरी, पर्सनल टच, कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर डिसएडवांटेजेस में क्या क्या था, 4 लिमिटेड और 1 अनलिमिटेड। 4 लिमिटेड क्या थे, रिसोर्सेज, मैनेजरियल स्किल, एक्सपेंशन, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन है, लाइफ ऑफ बिजनेस। 4 लिमिटेड हो गए, 1 अनलिमिटेड क्या था, लाइबिलिटी। ठीक है, थैंक यू।